कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पवन, श्रीमती अलका, श्रीमान अपूर्व, श्रीमती नेहा, श्रीमान भावित, श्रीमती श्रिया, शरण जैन कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। फर्म आदेश शूटिंग्स, भीलवाड़ा, पायस इंटीरियर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414112751। नीति हमें सिखाती है कि जो जो हमारे लिए हानिकारक है उसे छोड़ते जाएं और जो जो लाभदायक है उसे जोड़ते जाएं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या आपके परिणाम हो। जिससे आपको लगे कि हानि हो रही है उसको छोड़ते जाओ, चाहे वो वस्तु हो, चेतन हो, अचेतन हो, आपके भाव क्यों ना हो। आज की नीति बाहर की नहीं, अंदर की चर्चा कर रही है। आज की नीति कह रही है कि जो आपके अंदर की इच्छाएं हैं, आपको कोई और नहीं मारता, आपकी इच्छाएं ही आपको मारती हैं। इसलिए एक बार इच्छाओं को मारने का प्रयास करें, इच्छा करना छोड़कर तप से नाता जोड़ना चाहिए। जितनी आप तपस्या करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, जितनी आप इच्छाएं करेंगे उतना आप नीचे जाते जाएंगे। अगर आप इच्छाएं कंट्रोल में नहीं लाएंगे और आप इच्छाओं के कंट्रोल में हो जाएंगे, एक बात अपने मस्तिष्क में रखना, आप बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। व्यक्तित्व बड़ा बनाना है, इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा। इच्छाएं आपको छोटा बना देती हैं। देखो, आप अगर एक गुटखा खाने वाला कोई हो तो अगर घर पे कोई लेबर भी हो तो उससे कह देता है, भैया देना जरा थोड़ा सा। ये गुटखा खाने वाला कह देता है कि भैया देना जरा, इतना बड़ा सेठ और कह रहा है कि दे दो। इच्छाएं आपको छोटा करती हैं, इसलिए इच्छा नहीं करना। आप अपना कार्य करना, लक्ष्य बनाना, इच्छाओं के पीछे मत भागना। एक बार आप इच्छा के दास बन गए फिर वो नचाएगी। जैसे किसी की नई नई शादी हो और एक महीने शुरू के देवी का दास बन जाए, तो शुरू के एक महीने ही कीमती है। तो शुरू के एक महीने में जो देवी का दास बन गया, अब वो गया बेचारा, कपड़े धुलवाएगी उससे वो। ऐसी इच्छाएं हैं, अगर आपने शुरू में ही उनका दमन कर लिया तो ठीक है, वरना आपसे सब कुछ करवाएंगी। वो इच्छा आपसे सब कुछ करवाएगी। इच्छा को दासी बना के रखो, इच्छा के दास मत बनो। मन के नियंत्रण की प्रक्रिया है, जो आपका मन है ना उसके नियंत्रण की प्रक्रिया है। एक बार मन को वश कर लो, दुनिया आपके वश में रहेगी। साधुओं के पास क्या है? साधुओं के पास इच्छा नहीं है, इसलिए सब उनके पास रहते हैं। जहां उनके मन में इच्छा आ जाए, जो उनके पास है वो भी उनको छोड़ के चला जाएगा। आज की नीति कह रही है कि इस असार जीवन में एकमात्र तप करना ही सार है। इच्छाएं करना सब निसार है, सार नहीं है। केले का वृक्ष देखा आप लोगों ने? जो केले का वृक्ष होता है वो सार रहित होता है। उसका जो वृक्ष होता है उसमें कोई सार नहीं होता। छिलका छिलके के अंदर दल 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 और दल दल। संसार भी ऐसा ही है, इसमें कोई सार नहीं है, दल दल और दल दल। आम के वृक्ष में तो फिर भी लकड़ी निकलती है, शीशम के सागौन में तो लकड़ी निकलती है, केले का वृक्ष अंदर से निसार है। ऐसे ही संसार है, निसार है। आप कुछ भी कर लो, यहां आपको लाभ कुछ नहीं होने वाला है। तप कर लो, इच्छाएं मत करो। देखो, आप इच्छा, मेरे हिसाब से तो इच्छा बड़ी बुरी बला है। इच्छा से बुरी कोई बलाएं नहीं है। बलाएं समझते ना आप? बलाएं यानी हाय, व्यंतर, टेंशन। इच्छा से बड़ी कोई बला नहीं है, इच्छा से बुरी कोई बला नहीं है। क्यों? पूरी हो तो लोभ बढ़ाती है और पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ाती है।
इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ आता है, अब ये भी या वो भी, और इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आता है कि पूरी क्यों नहीं हुई। आप देखो रावण को, जब तक इच्छाएं पूर्ति होती रही ऐसा लोभ बढ़ता रहा, तीन खंड को जीता। जब इच्छा पूर्ति नहीं हुई, सीता ने मना कर दिया, कैसा क्रोध भड़का। भाई भाई नहीं दिखा, भाई भाई नहीं दिख रहा, मंत्री मंत्री नहीं दिख रहे, मित्र मित्र नहीं दिख रहा, क्योंकि इच्छाएं जागृत हो चुकी। इच्छा आपको ऊपर से उठा के नीचे रख देती, जैसे सांप सीढ़ी का खेल है ना, जैसे ही आपने पांसा चला और गलत चल गया, सांप के मुख में गए, सीधा वो आपको नीचे लाता है। जितनी बड़ी इच्छाएं करोगे उतना नीचे आओगे। इच्छाएं आपको दुख देती, इच्छाएं आपकी आकुलता की वृद्धि करती, इच्छाएं आपको निराकुल नहीं रहने देती। आप आज सोच लो कि कल मुझे चाहिए है और ना मिले तो सुबह से शाम 24 घंटे अंदर एक पीड़ा चलेगी, पीड़ा। इसलिए इच्छाओं से दूर हो तो क्या करें, कुछ ना करें नहीं, करो खूब करो, लक्ष्य बनाओ। अब अपना लक्ष्य बनाएं, इच्छा नहीं करें, दीक्षा लेने की इच्छा मत करना, दीक्षा लेने का लक्ष्य बनाना, समाधि की इच्छा मत करना, समाधि का लक्ष्य बनाना। मुझे ये त्याग करना है, मुझे वो ग्रहण करना है, ये सब इच्छाएं हैं, लक्ष्य बनाइए कि मुझे अपने जीवन में भी लक्ष्य प्राप्त करना है। ऐसा करोगे तो निराकुल रहोगे, सुखी रहोगे। कहीं इच्छाओं को जागृत कर लिया, गई भैंस पानी में। गर्मी के मौसम में अगर भैंस पानी में चली जाए, कब लौट के आती है? जब उसकी इच्छा होगी तब लौट के आएगी। इच्छाएं हैं तुमको महल से उठा के कीचड़ में रख देती। मांगन मरण समान है, मत ना मांगो तुम भीख, और मांगन से मरना बड़ा भला, यही सद्गुरु की सीख। मांगन मरण समान है, मत ना मांगो तुम भीख, और मांगन से मरना भला, यही सद्गुरु की सीख। मांगने से छोटे हो जाओगे, मांगने से मरना भला है। मर जाओ अच्छा है, कोई वस्तु ना मिले वो चलेगी, क्योंकि एक बार आपने इच्छा करी, एक बार किसे मांग करी, अब जीवन भर झुक के रहना पड़ेगा, जीवन भर दबके रहना पड़ेगा एहसान के रुमाल में, मांगने के रुमाल में एहसान का इत्र लगा होता है, इच्छाओं के रुमाल में एहसान का इत्र लगा होता है, वो एक बार लग जाए मिटता नहीं, छूटता नहीं। इसलिए आज से मांगना बंद करना। क्या करना है स्वयं में विचार कर लीजिए, क्योंकि दूसरों की इच्छा पूर्ति आपको उपयोगी बनाती है। जब तक आप इच्छा पूर्ति करते रहो सब पूछेंगे, और जिस दिन इच्छा पूर्ति बंद कर दो तो देखना भी बंद कर देंगे। दूसरों की इच्छा पूर्ति आपको उपयोगी बनाती है, और अपनी इच्छाओं का दमन आपको योगी बनाता है। अब योगी बनना है कि उपयोगी बनना है? करो इच्छाओं की पूर्ति, घर के लिए उपयोगी, वृद्ध तो घर के लिए बहुत उपयोगी, ईमानदार चौकीदार। कहीं जाना हो पापा जी आप घर देखो हम जा रहे, इच्छा पूर्ति करोगे उपयोगी बना के रखेंगे, इच्छाओं का दमन करोगे प्रकृति आपको योगी बना देगी। क्यों ना अपन योगी बने, और योगी बन के अगर उपयोग में लीन हो गया, अपन से बड़ा उपयोगी कौन है? ये आज की नीति है, अपन उपयोगी तो बने लेकिन पहले योगी बने। दूसरों की इच्छाएं पूर्ति करोगे आपका उपयोग किया जाएगा, क्यों ना अपन इच्छाओं का दमन करें। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।